हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के साथ मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं इस वीडियो की बात करता हूँ गाइस, ये तो एक स्विंग ट्रेड आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है, पर आप इसे कैरी फॉरवर्ड करके एक लॉन्ग टर्म ट्रेड की तरफ से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक ब्लू चिप कंपनी है, और मुझे लगता है कि ये 6 महीने के अंदर 40% तक का रिटर्न देने में सक्षम है। गाइस, अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, अगर बहुत लोग हैं जो मार्केट पे नहीं एफडीज पे पैसा लगाते हैं, जो वो लोगते हैं कि हम एफडी पे बैंक में पैसा रखे ना, एफडी हमें रिटर्न देती रहेगी, तो आप देख सकते हैं कि एफडी हमें साल का 6 से 7% तक का रिटर्न देती है। और अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो अगर हम 6 महीने में 40% भी नहीं, हम सिर्फ 20% रिटर्न लेकर चलते हैं, इसका आधा भी, तो भी आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया रिटर्न ये पर्टिकुलर स्टॉक दे रही है। और ये कंपनी गाइस डूबने वाली कंपनी में से नहीं है, क्योंकि बहुत बढ़िया कंपनी है और बहुत इन्वेस्टर्स, और अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड कंपनीज का, इस पर है नज़र, और ये पर्टिकुलर कंपनी आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे से कोप अप करेगी। गाइस, इस पर्टिकुलर स्टॉक की तरफ अब बढ़ते हैं और बात करते हैं कौन सा स्टॉक है। सो पूरा टेक्निकल इंडिकेटर्स और पूरा टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस में मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ आईटीसी का स्टॉक। गाइस, आप सब लोग जानते हैं आईटीसी के कंपनी को, बहुत बढ़िया कंपनी है और ब्लू चिप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनीज में से आती है ये गाइस। सो ये चार टर्मिनल आप देख पा रहे होंगे, चार सेटअप देख पा रहे होंगे, ट्रेडिंग सेटअप्स 1, 2, 3 और 4। गाइस, इन चारों पे हम इस पर्टिकुलर स्टॉक की टेक्निकल चार्ट्स में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकल के आता है, क्या हम हमें बाय पोजीशन बना लेनी चाहिए, क्या क्या वो अपने डिप्स में हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो गाइस, सबसे पहले मैंने डेली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर एक पैटर्न जो बन रहा है, ये पैटर्न का नाम होता है गाइस बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न। मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आ रही थी कि आप हमें इस हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में बहुत पढ़ाइए, तो गाइस मैं एक पर्टिकुलर यूट्यूब पे एक वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा जिस पे मैं आपको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर पाऊँ इस पर्टिकुलर हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में, क्योंकि गाइस कुछ लोग हैं जिन्हें पैटर्न्स के बारे में पढ़ा सकता हूँ पर उन्हें फिबोनाची के बारे में नहीं पता। सो गाइस, उससे पहले मुझे हार्मोनिक पैटर्न्स को पढ़ाने से पहले फिबोनाची को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हार्मोनिक पैटर्न्स बिना फिबोनाची के, बिना यूज़ के नहीं होते। सो अगर अब मैंने हार्मोनिक पैटर्न एक बना दिया, फॉर एग्जांपल एक बुलिश बटरफ्लाई बना चुका हूँ, सो इसका टारगेट और रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं सी से डी लेवल तक बना देता हूँ। अब गाइस, अगर हम इसके टारगेट फाइंड करने की कोशिश करें तो इस पर्टिकुलरली बुलिश बटरफ्लाई का पैटर्न का टारगेट होता है 618% रिट्रेसमेंट लेवल, और नेक्स्ट टारगेट होता है 1, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई होता है ये सी का। सो गाइस, अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, अगर मैं इसका टारगेट फाइंड करने की कोशिश करता हूँ तो इसका पहला टारगेट तो अराउंड ये निकल के आता है 210 रुपये का, और सेकेंड टारगेट निकल के आता है अराउंड 217 रुपीज़ का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो गाइस, अगर हम बात करें तो ये ट्रेड कितने पे कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं 207 पे, और इसका टारगेट निकल के आ रहा है 210 रुपये का, तो क्या अब हमें दोबारा इसमें बाय पोजीशन बना लेनी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा गाइस कि अगर आपको थोड़ा बहुत नीचे मिलता है, 200 रुपये के आसपास मिलता है, तो आप एक बार इसमें बाय पोजीशन दोबारा बना सकते हैं। और अगर मैं इस पर्टिकुलर सारे सेटअप्स को हटाता हूँ अभी, तो इस डेली चार्ट में एक खास बात और देखने को मिल रही है। गाइस, आप देख सकते हैं कि 220 रुपये के लेवल से कंसिस्टेंसी एक फॉल हमें देखने को मिली है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। और उसके बाद हमने देखा कि 18 फरवरी को हमने देखा एक मार्केट ने एक डाउन की तरफ मूवमेंट करी, इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 200 रुपये का लेवल छुआ और वहाँ से हमने एक अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी, और पर्टिकुलर स्टॉक उस पर्टिकुलर डे ट्रेडिंग के अंदर अंदर ही 204 रुपये में जाके बंद हुआ है। सो गाइस, इसने एक बुलिश हैमर दिया, बुलिश हैमर देने के बाद अगले दिन इसमें गैप अप ओपनिंग हुई, और गैप अप ओपनिंग हुई जो कि बुलिश हैमर के ऊपर हुई, और उसके बाद 2 दिन से उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। सो गाइस, एक ये रिवर्सल साइन होता है एक पर्टिकुलर ट्रेंड का, यानी कि एक बियरिश जो मूवमेंट आ रही थी उसका एक रिवर्सल हमें देखने को मिला है, और अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब एक बुलिश मूवमेंट आ सकती है। सो अगर हम इसके टारगेट फाइंड करने की कोशिश करें तो इसका टारगेट होता है प्रीवियस स्विंग हाई। अगर हम प्रीवियस स्विंग हाई की बात करें तो प्रीवियस स्विंग हाई अराउंड 217 रुपये में निकल के आ रहा है, ये लेवल निकल के आ रहा है। और गाइस, अगर मैंने ये जो बना के रखा था एक आपके लिए बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न, उसका टारगेट भी एक ये निकल के आ रहा था। गाइस, अगर हम बात करें कि हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए इस पर्टिकुलरली हैमर पैटर्न को, तो आप देख सकते हैं एक हैमर से पहले एक और कैंडल बनी थी जो कि रेड कलर की कैंडल थी, बियरिश कैंडल थी, तो उसका अगर हम 50% लेकर चलते हैं गाइस, अगर मैं इसका 50% लेकर चलता तो वो अप्रॉक्सीमेटली आता है 200
6 रुपये का। सो यानी कि इस लेवल के ऊपर ये जैसे ही निकलेगा और इसके ऊपर क्लोज कर देगा तो हम उसी टाइम बाय कर लेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा अराउंड इस लेवल के, ये जो आप देख सकते हैं हैमर, इस हैमर से थोड़ा सा नीचे इस लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, हमारा बाय प्राइस ये होगा और हमारा टारगेट ये होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो दे रहा है। अगर डेली चार्ट पे भी हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है गाइस। इसे मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, ये गाइस आप ये देख सकते हैं। सो हमारा रिस्क ये है और हमारा रिवॉर्ड ये है। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्मिनल की तरफ और नेक्स्ट टर्मिनल पे जाके स्टडी करते हैं। गाइस इस टर्मिनल पे मैंने गाइस वीकली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, और वीकली चार्ट पे इस पर्टिकुलर टर्मिनल पे हम स्टडी करेंगे सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए गाइस मैंने सारे बॉटम्स को टेस्ट करते हुए एक लाइन और सारे टॉप्स को टेस्ट करते हुए एक लाइन नहीं बनाई है, मैंने सिर्फ एक ये रेड कलर की लाइन बना रखी है जो कि वीकली चार्ट पे मैंने बना रखी है और जो कि 7 साल से चली हुई आ रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपको कुछ ग्रीन कलर के और रेड कलर के बॉक्सेस दिख रहे होंगे। ये रेड कलर का बॉक्स डिटरमाइन करता है रेजिस्टेंस और ग्रीन कलर का बॉक्स डिटरमाइन करता है सपोर्ट। सो गाइस ये अगर हम इस लेवल की बात करें तो ये जनवरी 2013 से ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करती है। अब मैं इसे जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पर इसने यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, आप देख सकते हैं रेड कलर का बॉक्स रेजिस्टेंस हमें डिटरमाइन कर रहा है। इधर साइड हमने फेस करा कि रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक ने लिया है। आप देख सकते हैं जैसे इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ा और ऊपर की तरफ गया, तो जब दोबारा नीचे आया तो इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर मल्टीपल बार इसने सपोर्ट लिया। नीचे हमने सिर्फ शैडो देखी है, क्लोज हमेशा एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पर ही ये देता था। सो गाइस अब आप देख सकते हैं कितने इसने मल्टीपल बार यहाँ पर सपोर्ट्स लिए हैं, और जब तोड़ता है तो अगले दिन अगले हफ्ते ही रिकवरी आ जाती थी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, हम देखते थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को जब से इसने 2013 पे ऊपर की तरफ तोड़ा है, ये उस ट्रेंड लाइन के नीचे आता तो ज़रूर है थोड़ा देर, पर हम देखते थे फिर रिकवरी आ जाती थी। सो गाइस अगर मैं इस लेवल के लो की बात करूँ तो हम एक्सपेक्ट लगा सकते हैं कि यहाँ से एक बार दोबारा रिकवरी आ सकती है इस पर्टिकुलरली चैनल के अंदर, और एग्जैक्ट सेम तरीके का अब आप देख सकते हैं इसने दोबारा यहाँ पर ही सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे जूम करता हूँ थोड़ा बहुत यहाँ पर, आप देखिएगा एक सेकेंड में आप देख सकते हैं जूम करता हूँ तो आपने अभी मैंने आपको प्रीवियस दिखाया था कि जब एक 3 कैंडल लगातार नीचे बनी थी पर उसकी शेडो थी और क्लोजिंग एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन पे होती थी और वहाँ से फिर एक रैली स्टार्ट हो जाती थी। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसके नीचे क्लोजिंग हुई, इसके नीचे इसने शैडो बनाई पर क्लोजिंग एग्जैक्ट इस लेवल के ऊपर हुई, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हुई, और हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है और रिवर्सल इसे हायर लेवल्स तक आराम से लेकर जा सकता है। सो गाइस ये था मेरा दूसरे टर्मिनल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक आपको बताने का तरीका। नेक्स्ट टर्मिनल पर जाते हैं तो नेक्स्ट टर्मिनल फिर से एक डेली चार्ट है, और डेली चार्ट पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने लाइन बनाई थी ये एग्जैक्ट लाइन सेम यही है, पर ये एक चैनल का काम कर रही है। चैनल पे अब मैंने आपको बताया था कि गाइस एक शैडोज बन रही है, तो शैडोज को भी मैंने इस चैनल के अंदर ऑब्जर्व कर लिया है। सो ये हमें एक बाय लेवल सजेस्ट करेगी, क्योंकि इसलिए मैंने ये डेली चार्ट पे ये पर्टिकुलर एक चैनल ड्रॉ आप लोगों के लिए कर रखा है। अब गाइस एक बात सुनिए, ये काम कर रहा है अराउंड 206-207 रुपये में। अब बेस्ट बाय कब बनता है ITC के अंदर? बेस्ट बाय तो मैं आपसे कह रहा हूँ गाइस बेस्ट बाय अभी भी 207 रुपये में बनता है, ऐसा ना हो कि यहाँ से भी ऊपर की तरफ चले जाए। सो आप लोग अगर बाय करना चाहते हैं आप अभी थोड़ी क्वांटिटी 207 रुपये में उठा सकते हैं, और अगर आपको जब भी डिप मिले 197 तक के आसपास की, तो 197 के आसपास में आप कभी भी पर्टिकुलर स्टॉक को जितनी क्वांटिटी उठाना चाहे उठा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये शायद 197-196 का लेवल ब्रेक करेगा। गाइस अब आप ये चैनल की तरफ फोकस करिए, अब आप देख सकते हैं ये चैनल के अंदर ही ये पर्टिकुलर स्टॉक एक अपनी मूवमेंट दिखाता था। आप देख सकते हैं चैनल के हायर रेजिस्टेंस पे आया, नीचे आ गया, यहाँ पर चैनल पे इसने रेजिस्टेंस फेस करा, इधर साइड सपोर्ट फेस करा, चैनल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर रहा। आप देख सकते हैं पूरा टाइम इसने चैनल के आसपास ही काम करता था और वहीं से रिवर्सल हमें देखने को मिलता था, तो एग्जैक्ट सेम तरीके का यहाँ पर भी हुआ है। अब आप देख सकते हैं ये चैनल के अंदर तो आया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और अभी चैनल के हायर टॉप पे है,
आप देख सकते हैं एग्जैक्ट चैनल के हाई टॉप पे। हो सकता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ पाए और दोबारा नीचे की तरफ आ जाए। सो गाइस, इस चैनल के अंदर जब तक ये पर्टिकुलर स्टॉक काम कर रहा है तो आप तब तक इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा नीचे इसकी डीप करेक्शन है, और मुझे लगता है कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ ही मूवमेंट आराम से देगा। सो गाइस, ये पर्टिकुलर चैनल, इसकी अगर हम चैनल की बात करें तो 2206 से लेके 196 तक ये 10 रुपये का टारगेट रेंज है जिसके अंदर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए, या अगर आप 6 महीने के लिए भी होल्ड करेंगे, तो मुझे लगता है आपको बहुत बढ़िया रिटर्न ये दे सकता है। गाइस, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको ए बी सी डी एक ये दिख रही होगी लाइट्स। सो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी जाके वॉच करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने आपको ये ए बी सी डी पैटर्न के बारे में बताया था और आपको इसके रूल्स भी एक्सप्लेन करे थे, पर्टिकुलरली एक स्टॉक को एक्सप्लेन करते करते, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक पर ये पैटर्न बना था। सो गाइस, अब हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो ए से लेके बी तक की जो लेंथ है, ये जो एक डाउनफॉल आई है ए से लेके बी तक, और जो सी से लेके डी तक एक लेंथ आई है, एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। सो यानी कि ए बी इक्वल्स टू सी डी होना चाहिए, यानी कि ए बी का जो लेंथ होना चाहिए और जो सी डी की लेंथ होनी चाहिए बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। सो गाइस, ए बी की लेंथ मैंने जब निकाली तो मुझे पता चला कि 76 रुपीज़ की लेंथ है, और जब मैंने सी डी की लेंथ निकाली तो वो मुझे बता रहा है कि आपकी 75 की लेंथ है। 75 की लेंथ कब आएगी? जब ये 198 के आसपास आएगा काम। और इसने लो कितने का लगाया? इसने लो लगाया 200 रुपये का। तो हम 2-3 रुपये में मान सकते हैं कि 2-3 रुपये का तो एक हो सकता है, क्योंकि चार्ट्स बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते हैं। और अगर हम हार्मोनिक पैटर्न्स के रेशियोज़ की बात करें तो वो भी एग्जैक्ट 786 और 886 के आसपास नहीं आते हैं। सो गाइस, कभी भी टेक्निकल्स पे हमें परफेक्ट चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, तो हम थोड़े बहुत आस पास के ऑब्जर्वेशन को निग्लेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस, एग्जैक्ट ए बी इक्वल्स टू सी डी इसमें पैटर्न बना है, और यहाँ पर इसका एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम रिवर्सल की पैटर्न के टारगेट्स फाइंड करने की कोशिश करें ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न के, तो सबसे पहले टारगेट निकल के आता है बी, जो बी तक ये पर्टिकुलर स्टॉक जा सकता है, जो कि ये लेवल निकल के आ रहा है अराउंड 3235 का। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होता है, वो नेक्स्ट टारगेट होता है सी का लेवल, जो कि आ रहा है अराउंड 270 का लेवल। अगर हम लास्ट टारगेट की फाइंड करने की कोशिश करें तो लास्ट टारगेट है इसका 310 का लेवल। गाइस, बहुत अच्छा ये अगर हम बात करें ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न होता है। मिनिमम टू मिनिमम टारगेट तो हम फाइंड करने की कोशिश करें तो वो होता है बी लेवल, जो कि 234 का लेवल है। नेक्स्ट टारगेट अगर हम फाइंड करें तो वो 270 का, और लास्ट टारगेट 310 का टारगेट है। सो गाइस, ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न बना है। आप देख सकते हैं अपने सपोर्ट पर ही काम कर रहा है और सी डी के लेवल पर ही काम कर रहा है। बाय अभी भी आप बना सकते हैं, क्योंकि मैं अपने से पर्सनल होल्डिंग्स पर अब यहाँ से लेना शुरू कर दूंगा। और जब मुझे चार्ट पता चला, मेरे एक व्यूअर ने मुझे एक व्हाट्सएप कराई ये पर्टिकुलर चार्ट, जो मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट टर्मिनल पे दिखाने वाला हूँ, तो जब मैंने इसकी स्टडी करी तब मुझे पता चला कि बहुत बेस्ट काउंटर है इसको अभी बाय करने के लिए, और आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना पाऊँ। अगर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्मिनल की तरफ, तो नेक्स्ट टर्मिनल पर एक और हार्मोनिक पैटर्न हमें इसमें देखने को मिल रहा है, जो कि मंथली चार्ट पे है। हाँ गाइस, ये मंथली चार्ट पे एक हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं मंथली चार्ट ओपन है, और ये पर्टिकुलरली है पैटर्न का नाम, अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलरली पैटर्न का नाम होता है गाइस बुलिश गाटले पैटर्न। हाँ जी गाइस, ये एक बुलिश गाटले पैटर्न है, और अगर हम बुलिश गाटले पैटर्न की बात करें तो जो ये लेवल होना चाहिए, जो रेशियो होना चाहिए, वो 618 के ऊपर होना चाहिए और 786 के बीच में होना चाहिए। सो गाइस, एक क्राइटेरिया इसमें फुलफिल हुआ, और जो ये लेवल होना चाहिए, जो आप 888 देख रहे हैं, 886 888 एक ही बराबर है, 886 होना चाहिए। तो ये लेवल, जो ये रेशियो होना चाहिए, वो 786 होना चाहिए या फिर 87886 होना चाहिए। सो गाइस, आप देख सकते हैं 886 ये एग्जैक्ट यही लेवल है, और यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। अब हमें किस तरीके से फुलफिल करना है मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। गाइस, इसका अगर हम टारगेट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, टॉप से लेके अगर मैं बॉटम तक एक फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है, सबसे पहला टारगेट अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें, जो सबसे पहला होगा, जो मिनिमम टू मिनिमम जाएगा ही जाएगा, कोई भी इसमें बीच में हर्डल हमें ज़्यादातर देखने को शायद ना मिले, जो कि लेवल है 230 रुपये का लेवल, जो कि 236% रिट्रेसमेंट लेवल पर शो कर रहा है। और जो लास्ट टारगेट है, जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जो जा सकता है, वो है 276 का, जो कि ये लेवल है। अब गाइस, अगर मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ लॉन्ग पोजीशन, इस लेवल से लॉन्ग पोजीशन एक बनाता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं 618% रिट्रेसमेंट तक लेकर चलता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमें 75% का रिटर्न मिल रहा है। आप देख सकते हैं 40% तक का रिटर्न मिल रहा है, और
आपको अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करता हूँ, तो गाइस स्टॉप लॉस अगर मैंने आपको उस पर बताया था, तो उस पर स्टॉप लॉस मैंने आपको बोला था 196 बाय रेंज है 196 तक। तो स्टॉप लॉस आपको कहाँ मेंटेन करना है, आपको एक्स पॉइंट पे मेंटेन करना है, और अगर हम एक्स पॉइंट की बात करें तो 178 का है। मैं इसे थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ अपने स्टॉप लॉस को, तो गाइज ये लेवल है। स्टॉप लॉस आपको अराउंड 10% का मेंटेन करके रखना है, और आपको जो मिलेगा प्रॉफिट वो आपको मिलेगा 40% का, यानी कि 1:4 का रेशियो है आईटीसी के अंदर लॉन्ग टर्म पे। तो आप एक बाय पोजीशन तो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे ज़रूर बना सकते हैं। गाइज आप लोगों को मेरी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी वीक है, पर तब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस इसको अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आपका क्या ख्याल है, और आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक को इस लेवल से एवरेज करना शुरू कर दिया या नहीं कर दिया। जिन लोगों ने भी होल्ड करा है तो वो भी अपनी पोजिशन से हमें बता सकते हैं किस लेवल से आपने इस पर्टिकुलर पोजिशन को होल्ड कर रखा है, और हम यहाँ पर अपना एक ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन के अंदर। सो गाइस इसी साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। गाइस मेरी और भी वीडियोज़ अभी मैंने एक दो दिन पहले ही अपलोड करी है, जो कि आपको आने वाले कमिंग वीक के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा कमा सकती हैं। पर्टिकुलर स्टॉक्स की एक डेडिकेटेड वीडियोज़ हमने बना रखी हैं, तो जाके वॉच करिए, जो कि आपको अगले हफ्ते के अंदर अच्छा रिटर्न कमा के देख सकती है। डिस्क्रिप्शन, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे पर्टिकुलर स्टॉक्स वीडियोज़ के, और यहाँ पर आपको वीडियो का शो भी कर रहा होगा बॉक्स, आप उस बॉक्स को भी क्लिक करके जाके देख सकते हैं। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर आपको रेड कलर का आइकन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे पता चलते रहेगा गाइस कि कितने लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और कितने लोग नापसंद कर रहे हैं। सो गाइस उसी के साथ मैं आपके लिए और मेहनत करूँगा। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो के साथ। मैं शिवाज बसीत, साइनिंग ऑफ।